अयोध्या जमीनी विवाद मामले में जैसे जैसे निर्णय की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, नेताओं और साधुओं को धमकी भरे फोन कॉल और पत्र आने लगे हैं। अयोध्या में भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदंती ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है। वेदंती ने कहा कि जैसे हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, वैसे ही मेरी भी हत्या कभी भी करा सकते हैं। वहीं सरकार से सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। रामविलास वेदंती ने कहा कि मेरी हत्या की आशंका मुझे दिन रात सताती है। इससे पहले भी मुझे कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। मुझे धमकी भरे पत्र और फोन कॉल आए हैं, जिसकी शिकायत मैंने लखनऊ में भी की थी, लेकिन आज तक किसी प्रकार की मेरी कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन अयोध्या और अयोध्या के SSP को मैंने पत्र भेजा है, लेकिन वह सब उदासीन रवैया अपना रहे हैं, जिससे मुझे जान का खतरा मालूम हो रहा है। सरकार से उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा में गनर बढ़ाए जाए। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है जयंती पूरे जनपद के प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक स्थान पे मनाया जाना है, और इसी के तहत सुबह का पहला कार्यक्रम जो है ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें 1000 के करीब बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। स्टेडियम के भी कुछ जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है, कई विद्यालयों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। ये यहाँ GIC से चलते हुए तकरीबन 3 किलोमीटर का ये जो रन है वो पूरा करके वापस यहीं पर आएंगे, और इसी के साथ जो है इस रन के साथ वहाँ बच्चों को जो पर्सपेक्टिव है राष्ट्रीय एकता दिवस का वो भी दिया गया कि किस प्रकार से सरदार पटेल ने पूरा आज़ाद भारत, भारत जब आज़ाद हुआ था उस वक्त जितने भी रियासत थे उनको एकीकृत करके एक भारत बनाया, और उसी तरह की एकता को प्रदर्शित करने की आज आवश्यकता है समाज में, जो एकता के जो बल हैं उन्हीं को बलवान बनाने की ज़रूरत है। तो इसी पर्सपेक्टिव से उनको जो है ये पूरा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उनको उत्साहवर्धन किया गया। सभी बच्चों को इसमें प्रतिभाग जो करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।